जिस रिश्ते को रानी सालों झुटलाती रही, फाइनली उन्होंने अपने और आदित्य चोपड़ा के उस रिश्ते पर शादी की मुहर लगा ही दी। साथ ही ये भी बता दिया कि बॉलीवुड में उनके जैसे सफेद झूठ बोलने वालों की कोई कमी नहीं है। वेल यस, कुछ समय पहले तक रानी मुखर्जी आदित्य के साथ रिलेशनशिप में होने की बात से साफ इनकार करती थी। आदित्य चोपड़ा के साथ लिंकअप के सवाल पर रानी अपेरेंटली नाराज हो जाती थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में यहां तक कह दिया कि ये सब झूठी बातें हैं और ये दुनिया झूठ बोलने वालों से भरी है। She maintained that her link up with Aditya Chopra was just a speculation. इस तरह के denial statements देने के बावजूद रानी और आदित्य को कई बार एक साथ स्पॉट किया जाता था। उनके साथ में हॉलीडे पर जाने की रिपोर्ट्स भी आती रहती थी। इतना ही नहीं, रानी चोपड़ा फैमिली की मेंबर की तरह उनके घर पर दिवाली की खुशियां मनाती और यश चोपड़ा की प्रेयर मीटिंग में भी देखी गई। इन सब के बावजूद रानी पब्लिक की आंखों में झोंकती रही धूल और आदित्य के साथ रिलेशनशिप में होने की बात को बताया झूठ, और अब अचानक आदित्य चोपड़ा से शादी कर ली। इसका तो यही मतलब है कि जिस रिलेशनशिप से वो इनकार कर रही थी, दरअसल वो कोई स्पेक्यूलेशन नहीं बल्कि एक सच्चाई थी। हाल ही में बिपाशा बासु ने हरमन बवेजा के साथ रिलेशनशिप में होने की बात को पब्लिकली एक्सेप्ट किया, लेकिन जब वो साथ में नजर आते थे और एक साथ हॉलीडे भी मनाते थे, उस वक्त दोनों ने ही लिंकअप की न्यूज को एडमिट नहीं किया था। पर हरमन की फिल्म की रिलीज के कुछ दिनों पहले ही हरमन और बिपाशा ने फिल्म को पब्लिसिटी दिलाने के लिए अपने रिश्ते पर हामी भरी। रितेश देशमुख से जब मीडिया ये पूछती थी कि क्या वो जेनेलिया के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो इस बात पर अपेरेंटली रितेश चिढ़ जाते थे। अपने और जेनेलिया से जुड़े सवालों को वो अवॉइड भी करते थे, और फिर रितेश ने एक दिन अचानक जेनेलिया से शादी कर ली, तो भला सवाल किए जाने पर मीडिया को चिढ़ दिखाने की वजह क्या थी? जब न्यूज आई थी कि शिल्पा शेट्टी एक NRI लंदन बेस्ड बिजनेसमैन को डेट कर रही हैं, तब शिल्पा के स्पोक्सपर्सन ने ये कहा था कि शिल्पा सिर्फ राज के साथ काम के सिलसिले से जुड़ी हैं। उन्होंने ये जताया था कि राज के साथ शिल्पा का लिंकअप शिल्पा की रेपुटेशन को खराब कर रहा था, और फिर शिल्पा और राज के रिश्ते की सच्चाई उनके एंगेजमेंट के साथ सामने आ गई। बॉलीवुड स्टार स्टेडी रिलेशनशिप में होने के बावजूद करते हैं रिलेशनशिप में होने से इनकार, और फिर अचानक पब्लिकली अपने रिश्ते को एक्सेप्ट करके दिखा देते हैं कि कैसे सफेद झूठ बोलते हैं ये स्टार्स। अंजलि सिंह फॉर Page 3 Zoom। स्टार्स कहते हैं कुछ और फिर करते हैं कुछ और। क्यों अपने रिलेशनशिप के बारे में वो कहते हैं झूठ होकर बेखौफ? To get an honest view on this, let's welcome a Bollywood expert and Page 3 pioneer, Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Welcome back, Supreet. Always a pleasure. Okay. All right. I want to know why the lie. I mean, our industry somehow thrives on that. कि पहले तो अपने relationship से को negate करते हैं और फिर formalize कर देते हैं. Supreet, यहाँ पर एक बात जो noteworthy है is like ठीक है, एक तो stars छुपाते हैं वो अलग बात है. That is sometimes we can you know say कि okay, we also need to respect their privacy. There are people who like to keep their personal lives, especially their link ups and their love life guarded. Absolutely understandable, which is not easy once you're a star and you're a public figure. आप उनकी adulation, उनकी attention जो fans आपको देते हैं वो तो आप enjoy करते हो, लेकिन at the same time आप बोलो कि हमारी private life को आप छुओ मत, that's not possible, especially अगर दो stars या कोई famous heroine और director आपस में date कर रहे हों। तो अगर आपको फैंस प्यार करेंगे तो वो आपके बारे क्यूरियस भी होंगे, सो यू कैन नॉट कंट्रोल कि वो किस तरह और किस हद तक आप में इंटरेस्टेड होंगे। बट लाइक आई स्टार्टेड ऑफ, आप अगर देखती हैं तो जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा डिनाई करते हैं, इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स वुमेन हु हैव ब्रोकन अ होम एंड दे हैव ब्रोकन देयर मैरिज। लाइक अभिषेक एंड ऐश्वर्या बच्चन, ठीक है वो लोग ढिंडोरा नहीं पीट रहे थे अपनी रिलेशनशिप का, बट दे यूज्ड टू ट्राई एंड जस्ट बी डिस्क्रीट एंड चुप चुप के मिलना, दैट्स फाइन, दे वर जस्ट ट्राइंग टू कीप इट अंडर रैप्स। बट कम से कम रानी मुखर्जी कितना झूठ तो नहीं बोला उन्होंने। तो आप ये क्लासिक केसेस देखो कि जहाँ पर भी इन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर झूठ बोला है, इन्हें यही डर था कि इमेज ना खराब हो जाए, वहाँ से कहीं चांसेस ना खराब हो जाए, बिकॉज द फर्स्ट वाइफ वॉज प्रॉब्ली यू नो रिजिस्टिंग द डिवोर्स
और द डिवोर्स हैड टू गो थ्रू एंड दे वर वेटिंग. एंड ये जो हमारी हीरोइंस हैं ये जानती तो हैं कि इन्होंने घर तोड़ा है लेकिन इसका क्रेडिट वो लेना नहीं चाहती हैं, इसलिए ये फ्रॉम द रूफ टॉप जाकर कहती हैं कि ये कौन कहता है कि हमारा कुछ है. लाइक रानी मुखर्जी, शी गेव इंटरव्यूज वेयर शी सेड हु इज सेइंग दिस दैट देयर इज एनीथिंग बिटवीन मी एंड आदित्य चोपड़ा, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ लायर्स. यू नो व्हाट रानी, हु इज अ लायर राइट नाउ, द वर्ल्ड और यू? Could it also be that they're safeguarding their image in the sense कि अगर ये नहीं work किया तो सब क्या सोचेंगे, हमारे fans पे क्या impression पड़ेगा? सुप्रीत, अगर ये बात सच होती तो फिर सारे ही stars deny करते, लेकिन the point is कि जितनी भी लड़कियों ने घर तोड़े हैं, जितने भी stars ने अपनी शादियाँ तोड़ी हैं and left their wives because they are glamour struck about some heroine, are the ones who have denied it the loudest. Let's start with Vidya Balan. I think Vidya Balan was pretty okay. वो छेड़ती रहती थी मीडिया को भी, अपने पति को भी, and because of his initials that they kind of sound like SRK, she never really denied it in a big way. उतनी denial तो जायज़ होती है कि where the message coming across is that listen, I'm in a relationship, I don't know where it's going right now, so I'm going to keep quiet about it. To not talk about it, understandable. It's you know, we also need to respect that about them sometimes. But to say ki ye sab kisi ki manghadat kahaniyan hai, ye kisi ki imagination hai, duniya jhoot keh rahi hai, I think that is kind of unforgivable. Sridevi ne yehi kuch kiya tha. Wo to pregnant thi and wo keh rahi thi ki there is nothing on, we are not married, I am not dating a man. But of course, Boni Kapoor was married with kids, and we all can see. The history is there for us to see, and it's probably not even so much guilt. क्योंकि अगर उनमें guilt होता तो वो घर ना तोड़ती. Probably all these women who have lied, घर तोड़े हैं and उसका blame भी नहीं लेना चाहती. They should learn a thing or two from Rekha. How dignified she is about everything. Rekha हमेशा एक mystery create करके रखती हैं, but कम से कम इस तरह का झूठ तो नहीं बोलती हैं. What do you have to say about John Abraham? I think fair and square, because when he and Bipasha were dating, they were very honest about their relationship, and the moment they decided to call it off, उन लोगों को मीडिया ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, एंड दे नीडेड सम टाइम टू काइंड ऑफ यू नो गेट ओवर देयर रिलेशनशिप, बिकॉज वो काफ़ी साल एक दूसरे के साथ थे. एंड व्हेन द न्यूज़ लीक्ड अबाउट हिम डेटिंग प्रिया, उन्होंने कभी ऐसे वीहेमेंटली झूठ बोल बोल कर डिनाई तो नहीं किया. एंड व्हेन ही थॉट ही वाज रेडी टू एडमिट टू द रिलेशनशिप और इवन द मैरिज, उन्होंने ट्विटर पर जाके बड़ा मैटर ऑफ फैक्टली एक लाइन में कह दिया. And I don't see anything wrong in what John Abraham has done.